स्टूडेंट्स, ये इंडियन इकोनॉमी का 54वां पार्ट है, 54 है। तो हम चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेते हैं। एक्चुअली इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों पर आप ज्यादा जोर दें और बार बार सुने। बताइए, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है, नाइट्रोजनी या फॉस्फेरिक? एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान किस देश का है, चीन या जापान? किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है, पोटैशिक या फॉस्फेटिक? कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का क्या स्थान है, तीसरा या चौथा? विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहां होता है, चीन में या भारत में? भारत की मिट्टी में दो तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है, वो दो तत्व कौन हैं, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन या नाइट्रोजन एवं लौह? आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कैवा स्थान है, कौन सा स्थान है, पांचवा या आठवा? तो और महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ ले चलते हैं आपको। बीटी बीज का संबंध किससे है, कपास से या गेहूं से? भारत में, और ये प्रश्न आ चुका है इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान आप जरूर रखिए, आए हुए प्रश्नों को मैं पूछ रहा हूं। भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल कौन है, चावल या गेहूं? और खाद्यान्न उत्पादन, दूध उत्पादन, गन्ना और चीनी उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, उत्तर प्रदेश या बिहार? विश्व में नारियल उत्पादक देशों में भारत का क्या स्थान है, तीसरा या चौथा? विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, ब्राजील या मैक्सिको? चाय के निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी देश यानी सबसे ज्यादा कौन है, श्रीलंका या भारत? भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है, चावल या गेहूं? दालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य भारत में कौन है, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन है, राजस्थान या मध्य प्रदेश? मोटे अनाज का ख्याल रखिएगा। भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है, पश्चिम बंगाल या बिहार? कपास का उत्पादन राज्यों के अवरोही क्रम में सजाइए, कपास के उत्पादन के मामले में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश? भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, मध्य प्रदेश या राजस्थान? प्याज का उत्पादन भारत का कौन सा अग्नेय राज्य है जहां से प्याज आता है, महाराष्ट्र या कर्नाटक? मैं आपको बता दूं, नासिक का प्याज बहुत मशहूर है। और भारत में गेहूं सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, गेहूं का, उत्तर प्रदेश या पंजाब? और बताइए आप, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश?
मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, गुजरात या महाराष्ट्र? और चावल उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम आप बताइए, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, या पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु? बहुत महत्वपूर्ण है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।